हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो रेसिपी दिखाने जा रही हूँ उससे आप इडली और डोसा दोनों ही तैयार कर सकते हैं। इससे आप मैसूर मसाला डोसा, प्लेन डोसा, पेपर डोसा या जिस प्रकार का डोसा आप खाना चाहें, पनीर डोसा, वो सब इससे रेडी कर सकते हैं और इडली भी तैयार कर सकते हैं जिस तरीके की इडली आप खाना पसंद करते हैं। इससे एकदम वाइट और स्पंजी इडली तैयार होगी। तो चलिए इस बैटर को कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं। डोसा बैटर बनाने के लिए हमने 2 कटोरे वाइट राइस लिए हैं। ये थोड़े से मोटे होते हैं और इडली और सांभर के बैटर के लिए यूज़ किए जाते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि आप जो भी मेजरमेंट के लिए बाउल यूज़ कर रहे हैं वो सेम मेजरमेंट के लिए सेम बाउल ही यूज़ करें। जो बाउल आप मेजरमेंट राइस में यूज़ कर रहे हैं वही आप दाल में भी यूज़ करें। 1/2 कटोरी उरद दाल ली है। यहाँ मैंने सेम बाउल लिया है मेजरमेंट के लिए, आप देख सकते हैं। 1/2 कटोरी पोहा लिया है, ये डोसे को काफ़ी क्रिस्पी बनाता है। 2 टेबल स्पून अरहर की दाल ली है। 2 टेबल स्पून चना की दाल ली है। 1 टी स्पून मेथी दाना लिया है। अब हम इन सभी सामग्री को, दाल, चावल, पोहा और मेथी दाना, इन सबको ही भिगो के रख देंगे 8 से 10 घंटे के लिए। मैं बताती हूँ कि इनको कैसे भिगोया जाएगा। एक बड़ा मिक्सिंग बाउल ले लीजिए, कोई भी बड़ा बर्तन, उसमें 2 कटोरी चावल को डाल दीजिए, साथ में मेथी दाना भी डाल दीजिए और इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए और भिगो दीजिए। ये देखिए, मैंने यहाँ चावल को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसे एक्स्ट्रा पानी डाल के, थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल के भिगो देंगे। इसके लिए ये वाइट राइस ही यूज़ किए जाते हैं, ये थोड़े से मोटे होते हैं और ये चावल जो हैं वो इडली और डोसे के बैटर के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें स्टार्च थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये देखिए, इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के इसको भिगो के रख दिया है और ये 8 से 10 घंटे के लिए भिगोया जाएगा। एक दूसरा बाउल लेकर उसमें हम उड़द की दाल, अरहर की दाल, चने की दाल, इन सबको अच्छे से वॉश करके भिगो देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दाल को भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है और इसमें भी हम पानी डालकर 8 से 10 घंटे के लिए भिगो देंगे और इसको फूलने रख देंगे। एक और बाउल लेंगे और उसमें पोहे को भी हम भिगो के रख देंगे। याद रखिएगा कि दाल, चावल और पोहे को एक साथ ना भिगोएं, अलग अलग ही भिगोएं। ये देखिए, पोहे को भी अच्छे से वॉश कर दिया है और इसको भी हम भिगो के रख देंगे और इन सबको हम 8 से 10 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा सक्सेना, आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन रेसिपीज। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टिंग 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 वाले बेल बटन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दाल, चावल और पोहे को भीगते हुए 8 से 10 घंटे हो चुके हैं। अब हम इन सभी को पीस कर एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम राइस को पीस के एक पेस्ट तैयार करेंगे मिक्सर में डालकर। उसके बाद हम पोहा और जो हमने दालें भिगोई थी उनको एक साथ पीस कर एक पेस्ट तैयार करेंगे और फिर हम इन दोनों पेस्ट को मिला देंगे। लेकिन हम इन दोनों पेस्ट को मिलाएंगे तो, लेकिन पीसेंगे साथ नहीं, क्योंकि राइस जब पिसता है तो वो थोड़े दाने दानेदार पिस के तैयार होता है और उसका हमें स्मूथ पेस्ट बनाना होता है। दाल जल्दी पिस जाती है, इसलिए हम राइस को पहले अलग पीसेंगे और उसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ राइस को जार में पलट लिया है और मिक्सिंग जार में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और थोड़े थोड़े राइस ही कर कर हम पीसेंगे ताकि जो बैटर हो वो काफ़ी चिकना और स्मूथ तैयार हो।
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ चावल का स्मूथ बैटर बनकर तैयार है। अब हम इसको किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और दाल को भी इसी तरीके से पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दाल का भी बैटर बनके तैयार है। ये दाल और पोहा साथ साथ हमने पीस लिया है और इसका स्मूथ बैटर बना लिया है। अब इसको भी हम चावल वाले बैटर में ही पलट देंगे और इसी तरीके से सारी ही दाल और पोहा हम पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दाल और चावल का बैटर बनकर तैयार है। अब हम इन दोनों बैटर को अच्छे से मिला लेंगे और फिर एक बार फिर से हम इसे ब्लेंडिंग जार में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, जिससे ये दोनों ही पेस्ट आपस में मिक्स हो जाएं और एक स्मूथ क्रीमी पेस्ट तैयार हो जाए। क्योंकि दाल जो होती है वो अच्छे से पीस के क्रीमी बन जाती है, लेकिन चावल में थोड़े थोड़े दाने रह जाते हैं। अगर ये पेस्ट अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो डोसा एकदम क्रिस्पी नहीं बनेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ डोसे का एक परफेक्ट क्रीमी बैटर बनके तैयार है। अब हम इसको इस फॉर्म में फॉर्मेट होने के लिए नहीं रखेंगे, क्योंकि ये जो पॉट है ये पूरा भरा हुआ है और जब ये फॉर्मेट होगा यानी खमीर उठेगा तो ये और ज़्यादा डबल हो जाएगा। जितनी क्वांटिटी में आपको दिख रहा है ये इससे डबल क्वांटिटी में हो जाता है, तो इसलिए जिस बर्तन में भी आप इसे खमीर रखने के लिए रखें उसको आधा खाली रखें। अब मैं भी क्योंकि ये पॉट पूरा भरा हुआ है इसको मैं आधा दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने बैटर के पॉट को आधा खाली कर लिया है। अब इस बर्तन में आधे बर्तन में ही हमारा बैटर है और आधा बर्तन मैंने खाली रखा है। अब इसको हम फॉर्मेट होने के लिए 8 से 10 घंटे के लिए ढककर किसी वार्म जगह पर रख देंगे, गर्म जगह पर रख देंगे, जिससे कि इसमें खमीर उठ जाएगा और ये जस्ट डबल हो जाएगा। फ्रेंड्स, खमीर उठने के बाद जितना बैटर आपको यूज़ करना हो उसको आप बाहर रखें और बाकी के बैटर को आप फ्रिज में किसी एयरटाइट कंटेनर में पोर करके रख सकते हैं। तो चलिए इसको ढककर किसी गर्म जगह पर रख देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ डोसे के बैटर को हमने 8 से 10 घंटे के लिए खमीर उठने के लिए रखा था, ये अब एकदम तैयार है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें किस तरीके से एयर पॉकेट्स बने हैं। ये देखिए कितना अच्छा खमीर बन के तैयार हुआ है। और जैसे कि मैंने बताया था कि हमने इसको आधा भर के रखना है पॉट को और ये जस्ट डबल हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि हमने इसे आधा भर के रखा था और ये जस्ट डबल हो चुका है। ये देखिए इसमें कितने अच्छे एयर पॉकेट्स तैयार हुए हैं। अब इसको हम इसी तरीके से घोल लेंगे और इसकी जो एयर है उसको हम निकाल देंगे। ये देखिए इसकी एयर निकालने के बाद ये फिर से आधा पॉट हो चुका है और ये खमीर उठ के पूरा हो गया था। अब हम इससे सिर्फ सॉल्ट मिला के इडली तैयार कर सकते हैं, और जब हमें इसमें डोसा बनाना होगा तो इसमें हमें थोड़ा सा पानी और मिलाना होगा, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी स्मूथ करनी होगी। मैं भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से। और इसमें सेमोलिना, सॉल्ट और शुगर तीनों चीज़ें मिलानी होंगी डोसे बैटर के लिए। तो चलिए मैं बताती हूँ कि डोसा बैटर के लिए इसमें क्या क्या मिलाना है और इडली बैटर के लिए क्या मिलाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने 2 बाउल में बैटर को कर लिया है। एक बाउल में मैंने थोड़ा बैटर ज़्यादा लिया है और दूसरे बाउल में बैटर थोड़ा कम लिया है। ये जो बैटर हमने ज़्यादा लिया है ये इडली के लिए लिया है, और जो हमने कम बैटर लिया है वो हमने डोसे के लिए लिया है। जो कम वाला बैटर है उसमें क्योंकि हम पानी मिलाएंगे उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी स्मूथ करेंगे डोसे के लिए, और ये हम इसी फॉर्म में रखेंगे जिस फॉर्म में अभी ये है। अब मैं बताती हूँ कि हमें डोसे के लिए बैटर में क्या क्या मिलाना है। डोसे वाले बैटर में हम 1 चम्मच सेमोलिना यानी कि सूजी मिलाएंगे,
एक कप बैटर में हम एक चम्मच सेमोलिना यानी सूजी मिलाएंगे। ये मैंने भुनी सूजी का यूज़ किया है, थोड़ा सा रोस्ट करके रख लिया है सूजी। 1 टीस्पून पिसी शुगर मिलाएंगे हम इसमें, 1/2 टीस्पून सॉल्ट मिलाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ हमने डोसे का बैटर 1 कप लिया था, उसमें हमने 1 चम्मच सूजी, 1 चम्मच पिसी चीनी और 1/2 चम्मच नमक डाला है। इडली का बैटर हमने 1.5 कप लिया है, उसमें हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून। अब इडली के बैटर को हम सॉल्ट ऐसे ही मिला लेंगे। इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये इडली बनने के लिए बैटर एकदम रेडी है। ये देखिए, अब जो हमने डोसे का बैटर लिया था उसमें हम, क्योंकि हमने 1 कप डोसे का बैटर लिया है, अब हम उसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे। 2 टेबल स्पून पहले पानी मिला के देखिएगा, ये देखिए, और इसका एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी में स्मूथ बैटर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये थोड़ा सा पतला रखा है हमने डोसे के लिए, और इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे, क्योंकि हमने इसमें सेमोलिना यानी कि सूजी मिलाई है, वो थोड़ी सी फूल जाएगी और फिर हम ये इसका डोसा बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको डोसा और इडली की बैटर की रेसिपी अच्छे से समझ में आई होगी और ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।